जादुई कमल के फूल की नदी। बहुत समय पहले की बात है, ऐश्वर्या और कंगना दो बहनें थीं, जो सुंदरपुर गांव में एक नदी के किनारे छोटे से घर में रहती थीं। उन दोनों के माता पिता का कुछ वर्षों पहले देहांत हो गया था, इसलिए दोनों बहनें एक साथ उस घर में अकेली रहा करती थीं। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। दोनों बहनों के अनाथ होने की वजह से गाँव के सरपंच उन्हें अपने घर पर काम करने के लिए रखा था। दोनों बहनें सरपंच के घर में घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन कंगना बीमार हो जाती है। सुनो ऐश्वर्या, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा शरीर भी तेजी से तप रहा है। मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, तू आज आराम कर, काम पर मैं अकेली ही चली जाती हूँ। ऐश्वर्या, तुम अकेले काम पर कैसे जाओगी? सरपंच के घर पर बहुत सारा काम रहता है, तुम अकेली इतना सारा काम कैसे करोगी? अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, समय पर दवाई भी ले लेना, मैंने खाना बना दिया है, उसे खा लेना। इतना कहकर ऐश्वर्या सरपंच के घर पहुँच जाती है और घर के काम करने लगती है। तभी वहाँ पर वो सेठ आता है और कहने लगता है, ऐश्वर्या मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों बहनों को आज के बाद काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आज से ही तुम दोनों दूसरा काम ढूंढ लो। सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम दोनों बहनें तो रोज काम पर आती हैं और आपका पूरा काम संभालती हैं। बस आज कंगना की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इसलिए वो आज काम पर नहीं आई। अगर हम दोनों बहनों से कोई गलती हो गई है तो आप हमें बताइए। देखो ऐश्वर्या, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमारे घर में पहले से ही बहुत सारे नौकर हैं और अब मुझे और नौकर की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम दोनों बहनें यहाँ से काम छोड़कर जा सकती हो। सेठ जी, अगर आप इस तरह यूँ अचानक से हमें काम से निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास और कोई काम नहीं है, प्लीज हमें काम से मत निकालिए। मेरी बहन बहुत बीमार है और इसकी दवाई के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, अब प्लीज हमें काम से मत निकालिए। तो मैं क्या करूं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगा। अगर तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा तो जाकर रोड पर भीख मांगो, तुम दोनों इसी के लायक हो। ऐश्वर्या सेठ की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और वो उन्हें कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐश्वर्या वहाँ से सीधा जंगल जा पहुँचती है और सोचती है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब सब तेरे ही हाथ में है, कृपया मेरी कुछ मदद करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। ऐश्वर्या ये सब सोचकर आगे बढ़ती है। तभी ऐश्वर्या को एक जादुई नदी दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। अरे वाह, इतने सारे कमल के फूल, क्या बात है, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, ये कीचड़ के अंदर इतने अच्छे से कैसे खिल जाते हैं, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। ऐश्वर्या तुम ज्यादा सोचो मत, मैं जादुई नदी हूँ और ये जितने भी कमल के फूल यहाँ पर लगे हैं ये सब जादुई फूल हैं, और ये सारे फूल कोई आम फूल नहीं है, बल्कि ये सभी फूल जादुई हैं। तुम एक काम करो, इसमें से एक जादुई कमल का फूल ले लो और तुम इसे घर ले जाना, इस कमल के फूल से तुम्हें हर चीज की सहायता मिलेगी। अरे वाह, आप तो बोल भी सकती हो, आप मुझे जादुई कमल का फूल दे रही हो, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो जादुई नदी ऐश्वर्या को कमल का फूल देती है। ऐश्वर्या वो जादुई कमल का फूल लेकर बहुत खुश होती है। ऐश्वर्या अपने घर वापस जाती है। घर पहुंचकर ऐश्वर्या अपने बहन कंगना को सारी बात बताती है। क्या ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानती, एक काम करो, इस जादुई कमल के फूल से कुछ पैसे मांगो जिससे मेरा इलाज हो सके। ठीक है, रुको, जादुई कमल के फूल, मुझे इतने पैसे दो जिससे मेरी बहन का इलाज हो सके और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। ऐश्वर्या के इतना बोलते ही वहाँ पर खूब सारा पैसा आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। ऐश्वर्या कंगना को हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है, डॉक्टर कंगना का इलाज करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में कंगना पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। कंगना के ठीक हो जाने के बाद
दोनों बहनें अपने घर वापस चली जाती है और उस जादुई कमल के फूल से अपनी मनपसंद चीज मांग लिया करती है। और अब दोनों बहनें हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रिंकी और पिंकी नाम की दो बहनें रहा करती थी। रिंकी पिंकी की चचेरी बहन थी और वो बहुत ज्यादा अमीर थी, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पिंकी एक छोटे से घर में गरीबी के साथ रह रही थी। पिंकी के पिता की मृत्यु पिंकी के बचपन के समय में ही हो गई थी। वो अपनी माँ कोमल के साथ रहती थी। रिंकी एक बहुत बड़े घर में रहती थी। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम किया करते थे। रिंकी के पिता एक आम के बगान में मालिक थे। रिंकी के पिता की आम बेचकर अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। रिंकी की माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, इसलिए अपने पिता के साथ ही वो रहा करती थी। पिंकी का उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पिंकी की माँ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करती थी और उन्हें कम दामों में बेचती थी, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। पिंकी अपनी माँ के कामों में सहायता करती थी और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी से रह रही थी। पिंकी और रिंकी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों एक साथ स्कूल पढ़ने जाया करती थी और साथ में खेला करती थी। पिंकी और रिंकी की इतनी गहरी दोस्ती थी कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। पिंकी, कल चाचा जी विदेश जा रहे हैं, वहाँ से वो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आएंगे, तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी मैं कुछ मंगवा देती हूँ। नहीं रिंकी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी जो तुम्हारा है वो मेरा भी तो है और जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, इसलिए क्या तुम्हारा और क्या मेरा, सब हमारा है। ये तो तुम सच कह रही हो, वैसे भी हम दोस्त होने के साथ साथ अच्छी बहनें भी हैं। इसी तरह दोनों बहनें कक्षा में बैठकर पढ़ने लगती है और छुट्टी होने के बाद दोनों बहनें जंगल की तरफ घूमने जाने लगती है। जंगल में दोनों बहनों को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था। वहाँ पर बहुत सारे हरे भरे सुंदर सुंदर फूल और पशु पक्षी थे। पेड़ों पर स्वादिष्ट फल लगे हुए थे जिन्हें तोड़कर दोनों बहनें एक साथ मिलकर खाती है। स्कूल के बाद रोजाना जंगल जाने से उन दोनों बहनों की दोस्ती जंगल के पक्षी और जानवरों से भी हो जाती है और वो दोनों उनसे ढेर सारी बातें किया करती है। शाम के समय दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती है। पिंकी घर जाकर अपनी माँ को अपना पूरा दिनचर्या बताया करती थी। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाया करती थी। यहाँ रिंकी के घर पर रिंकी की देखभाल करने वाला सिर्फ उसके नौकर थे जो उसका ध्यान रखा करते थे। रिंकी मैडम, आपका नाश्ता तैयार है, आप कहे तो आपका नाश्ता आपके कमरे में ले आऊं। ठीक है रामू काका, आप मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ले आइए। इसके बाद रामू काका रिंकी का नाश्ता उसके कमरे में रख देते हैं, जिसे खाकर रिंकी सो जाती है। अगली सुबह जब सोकर उठती है तो उसे याद आता है कि आज तो पिताजी लंदन से वापस आने वाले हैं और उसके लिए ढेर सारे उपहार लाने वाले हैं। वो इस खुशी में जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। रिंकी के पिता सुनील घर आ जाते हैं। रिंकी भागकर उन्हें गले लगा लेती है। रिंकी बेटी, हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना? नहीं पापा, आपके जाने के बाद रामू काका यहाँ पर मेरा अच्छे से ध्यान रख रहे थे। आप ये बताइए, आप लंदन से मेरे लिए क्या क्या लेकर आए हैं? अरे बेटी, सफर से अभी लौटा हूँ, मुझे ठीक से सांस तो लेने दो, भला मैं तुम्हारे लिए उपहार लाना भूल सकता हूँ क्या? तुम निश्चित रहो, मुझे जरा आराम करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा उपहार तुम्हें दे दूँगा। अपने पिता की बात मानने के बाद रिंकी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर खड़ी पिंकी रिंकी का इंतजार कर रही होती है। दोनों बहनें स्कूल जाने लगती है तभी रिंकी पिंकी से कहती है, तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा लंदन से वापस आ गए हैं, परंतु उन्होंने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि वो मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। मैं वो गिफ्ट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई बात नहीं, घर जाकर तुम्हें वो गिफ्ट मिल ही जाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब दिखाओगी वो सारे गिफ्ट? ऐसा हो सकता है भला कि मुझे कुछ मिले और मैं तुम्हें ना दिखाऊं? जैसे ही मिलेंगी मैं सबसे पहले तुम्हें दिखाने आऊंगी।
पिंकी और रिंकी दोनों बहनें बातें करते करते स्कूल पहुंच जाती है। कक्षा में बैठे बैठे दोनों बहनें ये सोच रही होती है कि रिंकी के पिता लंदन से क्या लेकर आए होंगे। ये सोचते सोचते सभी कक्षाएं पूरी हो जाती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। आज पिंकी और रिंकी घूमने नहीं जाती है और रिंकी सीधा अपने घर आ जाती है। रिंकी घर जाकर अपने पिता के गले लग जाती है और कहने लगती है, पापा बताइए ना, आप मेरे लिए लंदन से क्या लाए हैं? आपने अभी तक मुझे मेरा गिफ्ट नहीं दिया है। रिंकी जरा भी सब्र नहीं होता ना, रुको तुम्हारा गिफ्ट मैं अभी तुम्हें निकाल कर देता हूँ। सुनील अपनी अलमारी से एक सुंदर सी ड्रेस निकालता है और अपनी बेटी रिंकी को दे देता है। इस ड्रेस को देखकर रिंकी जरा भी खुश नहीं होती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस गिफ्ट को देखकर जरा भी खुश नहीं हुई? क्या तुम्हें यह ड्रेस पसंद नहीं आई है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये ड्रेस बहुत सुंदर है, परंतु आपको तो पता ही है मेरी बहन के बारे में, उसके पिता इस दुनिया में नहीं है और एक आप ही हैं जो उसके लिए ड्रेस लेकर आए हैं, और ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अगर मैंने उसे ये ड्रेस दिखाए तो उसे बहुत पसंद आएंगे, परंतु इस ड्रेस को हम दोनों में से कोई एक ही रख सकता है। अरे मैं तो भूल ही गया था, काम का बोझ इतना हो गया है सर पे। कोई बात नहीं, अगली बार जब मैं लंदन जाऊंगा तुम्हारी बहन के लिए भी ऐसा ही सुंदर सा ड्रेस लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इस ड्रेस को तुम ही रख लो। रिंकी ड्रेस लेकर अपने कमरे में रख देती है और सोचने लगती है, अगर मैंने इस ड्रेस के बारे में पिंकी से छुपाया तो वह क्या सोचेगी? मुझे अपने ये ड्रेस पिंकी को ही दे देनी चाहिए। ये सब सोचते सोचते रिंकी को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए दोनों बहनें जंगल में घूमने के लिए जाती है। तभी रिंकी के हाथ में एक थैला देखकर पिंकी पूछती है, रिंकी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जरूर, ये वही गिफ्ट होगा जो चाचा लंदन से लेकर आए हैं और तुम ये मुझे देने आई हो, है ना? हाँ तुम सही कह रही हो पिंकी, ये ड्रेस पिताजी लंदन से लेकर आए हैं हम दोनों बहनों के लिए। तभी रिंकी वो ड्रेस पिंकी को दिखाने लगती है कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और वो हवा का झोंका वो ड्रेस उड़ाकर ले जाता है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती है। वो सुंदर सी ड्रेस दोनों बहनों में से किसी के हाथ में भी नहीं लगती। ड्रेस को उड़ता देख दोनों बहनें उस ड्रेस का पीछा करने लगते हैं और भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और उनकी नजरों से वो ड्रेस गायब हो जाती है। अब दोनों बहनें ड्रेस के लिए बैठकर रोने लगती है। उन दोनों बहनों को रोता देख नदी में से एक परी प्रकट होती है और कहती है, क्या हुआ तुम दोनों बहनें यहाँ पर इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम दोनों बहनों की परेशानी जान सकती हूँ? हाँ हम आपको बता तो देंगे, परंतु आप इसमें हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगी। मेरे पिताजी लंदन से एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आए थे और एक तेज हवा का झोंका उसे उड़ाकर ले गया। अब वो ड्रेस हमें कहीं नजर नहीं आ रही। बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम दोनों बहने इतना फूट फूट कर रो रही हो? अब तुम दोनों बहनें चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी कुछ सहायता करती हूँ। तभी वो परी उन दोनों बहनों को दो सुंदर सी ड्रेस देती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर और चमकदार होती है, जिन्हें देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। अब तुम दोनों बहनें मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये दो जादुई ड्रेस है। इस ड्रेस की मदद से तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो, परंतु तुम दोनों इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। ऐसा करने पर यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे तुम्हें इन जादुई ड्रेस का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। इससे तुम दूसरों की भलाई कर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओगी और पिंकी के जीवन में जितने भी कष्ट है वो सभी दूर हो जाएंगे। और तुम दोनों बहनों इस जादुई ड्रेस की मदद से अच्छी अच्छी चीज मांग सकती हो और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकती हो। अब मैं चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों बहनें वो सुंदर सी ड्रेस अपने पास रख लेते हैं और उसके सहारे अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।